दिखाते आपको आज देसी वेंडरिंग कहाँ घूम रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी वेंडरिंग टूर्स। और आइए दिखाते आपको आज देसी वेंडरिंग कहाँ घूम रहे हैं। तो देखिए हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और ये भीड़ है यहाँ का एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट सिंबल है इस जगह का, वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आप बताना कहाँ है हम अभी। जी हाँ, ये देखिए, ये है मेरे पीछे यहाँ का फेमस स्टैचू, छोटा सा बच्चा सुसु करता हुआ। और भीड़ देख लो यहाँ पे कितनी है लोगों की। और यहाँ पे है इसी स्टैचू का एक नया मॉडल जो कि हैंड से चलाया जा रहा है, सारी जनता पे सुसु कर रहा है ये। और ये है वेफल फैक्ट्री, और हमने ऑर्डर किया है ब्रसल्स वेफल विद वाइट चॉकलेट। और बेल्जियम में ब्रसल्स में तो फिर वेफल्स ट्राई करने का तो बनता है, और वो भी इतने टाइप के, इतनी वैरायटी है, बहुत क्रंची है ये और काफ़ी अलग टेस्ट है इसका, तो मस्ट ट्राई बनता है। और ये देखिए हमारे पीछे बहुत ही फेमस शॉप है जिसमें है बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के वेफल्स, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के हैं, और उसमें जो टॉपिंग है वो भी बहुत ही अलग अलग है। जी हाँ, और हमने जब काफी टेस्टी लग रहा है, ओ माय गॉड, आई कांट रेसिस्ट, बट हम इसको थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। अभी जस्ट एक खा के आए हैं। हाँ, अभी जस्ट हम वेफल फैक्ट्री से निकले हैं और वहाँ पे हमने वेफल ट्राई किया है, तो यहाँ पे भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा है। आपको पता चल ही गया होगा कहाँ आए हम। हम आए हुए हैं बेल्जियम। जी हाँ, बेल्जियम में अभी हम ब्रसल्स में हैं, तो देसी वेंडरिंग घूम रही है ब्रसल, और आपको दिखा दिया यहाँ का सबसे फेमस, तो ये देख लिया तो मतलब यहाँ का आपका ट्रिप सफल हो गया है, बस अब कुछ और नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे वॉफल्स, फ्राइज और चॉकलेट्स, जी हाँ, ये तो मस्ट है ट्राई करना, मोस्ट फेमस चीज़ें हैं ये। और एक और चीज़ है मोस्ट फेमस यहाँ पे, बेल्जियम बियर, तो हर जगह पे सुबह ही लोग बैठ गए हैं, अभी 11-10 बज रहे हैं, उसी में ही सब सुबह स्टार्ट हो गए हैं बियर पीना। हाँ यार, मतलब मैं ये देख के शौक थी कि अभी वैसे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खुल रहे हैं, और ये जो बियर शराबी हैं सब यहाँ पे बार वगैरह सुबह से, और सबका लग भी रहा था। और यहाँ पे आपको मिलेंगी जगह जगह पे वॉल आर्ट्स, तो यहाँ पे देखिए ये वही मैनिकेन पीक का टूर गाइड इंफॉर्मेशन देता हुआ। और ये है हमारे सामने यहाँ का एगमोंट पैलेस, जो कि बहुत पहले यहाँ इस एरिया का जो पर्टिकुलर स्ट्रीट है यहाँ का सबसे बड़ा हाउस और पैलेस हुआ करता था। और दोस्तों ये है यहाँ का कैथोलिक चर्च जिसका नाम है लेडी ऑफ चर्च सैब्लॉन, और इसका देख सकते हैं आप आर्किटेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है, गॉथिक आर्किटेक्चर है और इंटीरियर भी है, बट ये बंद पड़ा है दो एंट्रेंसेस के साइड से। तो और इस साइड हो रहा है कुछ प्रोग्राम, काफ़ी म्यूज़िक बज रहा है, आपको सुन रहा होगा, तो देखते हैं चल के क्या चल रहा है उस साइड। और ये है यहाँ का रॉयल पैलेस सामने, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर चल रहा है एक प्री वेडिंग शूट भी दूर, अगर आपको दिख पा रहा हो। ये है एक्चुअल में रॉयल पैलेस, ये पूरी बिल्डिंग, और यहाँ पे जो बेल्जियम के किंग एंड क्वीन हैं वो रहते हैं, और अभी ये सीज़न में बंद है, ये मोस्टली ओपन होता है समर टाइम में, तो आई थिंक मई से
सितंबर तक ये ओपन होता है, तो इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। बट अब ये बंद है और ये अब खुलेगा मई सीज़न में। बट बाहर से देखिए, ये है यहाँ का रॉयल पैलेस और इसके सामने है ब्रसल्स का गार्डन, और ये पूरा बहुत बड़ा गार्डन है किंग्स क्वीन का। ये आ गए हैं हम अब एक नए पॉइंट पे जो कि काफ़ी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है यहाँ की, माउंट डेज आर्ट्स, और यहाँ से दिखता है ये स्पेक्टिकुलर व्यू। तो ये छोटा सा गार्डन बना हुआ सामने और यहाँ से आगे का एरियल व्यू दिखता है। बहुत ऊंची पहाड़ी पे नहीं है बट काफ़ी लोग आते हैं इस व्यू को देखने के लिए यहाँ पे। और इसके सामने ही आपको मिलेगा ये ज़बरदस्त एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बाहर बैठ के कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए ये व्यू इंजॉय कर सकते हैं। और घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं, सामने आ गया है ग्रैंड पैलेस और टाउन हॉल यू कैन से। और ये देखिए नज़ारा यहाँ पे टाउन स्क्वायर का, चारों तरफ चमचमाती बिल्डिंग, पुराना गॉथिक आर्किटेक्चर। और यहाँ पे तैयारी हो रही है क्रिसमस की, ये बना रहे हैं क्रिसमस ट्री। हाँ मतलब लगा रहे हैं, मतलब कि इन्होंने लेके आए हैं और इसकी कटिंग उस शेप में कर रहे हैं ताकि अच्छा लगे और फिर लाइटें लगाएंगे इसमें। और अभी हम आए हैं यहाँ के ब्रसल फ्राइज खाने के लिए। बट यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ तक। और इस शॉप का नेम है फ्रिथलैंड, ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी है ये और काफ़ी फ्रेश फ्राइज के लिए। हाँ, और कहते हैं कि बहुत ही फ्रेश फ्राइज बनाते हैं ये बिल्कुल। तो गाइस हमने ऑर्डर किया है यहाँ के फ्राइज, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लाइन में लग के, और साथ में किया है एक वेज बर्गर। तो गाइस अभी एंटर करें यहाँ का जो रॉयल आर्ट्स म्यूज़ियम है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारे स्टैचूज बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है और आर्ट के शौकीन लोगों के लिए तो बहुत ही सही है। काफ़ी डिफरेंट आर्ट्स हैं यहाँ पे, तो हमने कहा फ़र्स्ट टाइम देख लेते हैं आज चल के कैसा लगता है, हमें भी क्या पता कुछ आर्टिस्ट वाली फीलिंग आ जाए आज। और ये है यहाँ की द्रोथिंग होम स्ट्रीट। सेम चारों तरफ शॉपिंग मॉल, शॉपिंग ही शॉपिंग, और निकल चुकी है साक्षी शॉपिंग के लिए। तो दोस्तों देख रहे हो अंधेरा हो गया है, शाम के 5:30 बज गए हैं और थोड़ा बहुत मौसम का मज़ा ख़राब हो गया था, बारिश हो गई थी और साक्षी का बारिश होने से पहले ही वो ले गई थी शॉपिंग करने, और शॉपिंग तो देखो पता नहीं क्या की है, ज़्यादा कुछ तो ले ही लिया है। चलो अब चलते हैं, घूमते हैं, दिखाते हैं आपको कैसी सजी है मार्केट। वैसे अभी क्रिसमस लाइट्स तो लग गई हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सज रही है मार्केट धीरे धीरे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अब हम अपने होटल में, काफ़ी रात हो चुकी है, बहुत थक चुके हैं। ये हमारा छोटा सा होटल रूम, तो चलते हैं करते हैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड, और मिलाएंगे कल आपको एक नई जगह से। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को कीजिए हमारे सब्सक्राइब। बाय बाय।